सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, किसने कुछ किया ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कद्र करना सही से जानता है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। एक छोटी सी दुआ, जिन लम्हों में आप खुश हो वो कभी खत्म ना हो। आज का पंचांग 20 मार्च 2022 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र रात्रि 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:04 से 6:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 11:11 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 20 मार्च 2022 दिन रविवार, आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले ली। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, आपको धीरज से काम लेना होगा। अच्छा, आपको अपनी किसी बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है, प्रयासरत रहें। आज पठन पाठन तथा उत्तम जानकारियों को हासिल करने में बेहतरीन व्यतीत होगा। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी महसूस होगी। इंतजार है वे काम हो सकते हैं। जीवन में बदलाव आ सकता है या बदलाव भले ही बड़ा ना हो लेकिन आपको समाधान देने वाला होगा। विदेश संबंधित काम करते समय जब तक पूरे दस्तावेज हाथ में नहीं आते तब तक आगे ना बढ़ें। ट्रेनिंग की वजह से काम को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। पार्टनर्स बातचीत बंद कर सकते हैं लेकिन वह खुद लौट आएंगे। पीठ में जकड़न भी हो सकती है। सावधानियां, युवा वर्ग ध्यान रखे कि कुछ काम बनते बनते बीच में ही अटक सकते हैं परंतु इसका कारण आपकी एकाग्रता में कमी होना ही है। दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन में तालमेल बनाकर रखें, विवाहितर प्रेम संबंधों से दूर रहें। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करते हैं। करियर की, आज के दिन विद्यार्थियों, युवा बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यवसायियों के लिए काफी करियर अवसर आएंगे। आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफी समय से आपको इसकी तलाश थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफी समझ के साथ करना है क्योंकि ये अवसर जीवन भर में कभी कभी ही मिलता है और यह काफी महत्वपूर्ण भी है। आपके पूरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। यह परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है। व्यवसाय संबंधित चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस समय किसी भी कार्य को बहुत अधिक ध्यान से करने की जरूरत है और प्रतिस्पर्धा संबंधित मामलों में भी बहुत अधिक परेशानियां आएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार अधिक रहेगा। बात करते हैं सेहत की। खान पान हल्का तथा व्यवस्थित दिनचर्या रखें। इस समय पेट संबंधित दिक्कत भी हो सकती है।
आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाला काम करने भी और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और अभी एथलेटिक और खेलों संबंधित गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।